अपने गुनाहों की सजा काट चुका हूं, मुझे यहां से दूर जाना है। अच्छे इंसानों का वक्त बदलता है। रॉनी द रूलर गैंगस्टर्स मूवीज की एक हवा चल पड़ी है। आजकल हर इंडस्ट्री से एक ना एक जबरदस्त किस्म की गैंगस्टर मूवीज आ रही हैं, जैसा कि KGF, किंग ऑफ कोथा जूनियर। इन सब के बाद पेशे खिदमत है रॉनी द रूलर। रॉनी द रूलर एक कनाडा जबान की एक्शन थ्रिल मूवी है। इस मूवी की स्टोरी एक ऐसे आदमी के गिर्द घूमती है जो कि बिल्कुल आम और सादा होता है, और उसके पास पावर आ जाती है, और पावर आने के बाद वो इस करप सिस्टम को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहता है और समाज में नाइंसाफी को भी। और उसका एक ही मोटिव होता है कि किसी तरह वो अपने मुल्क को करप्शन फ्री बना दे, और वो जागीरदारों का बिल्कुल खात्मा करना चाहता है, और इसीलिए वो अपने पावर में आने के लिए जद्दोजहद भी करता है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है गुरुतेज शेट्टी ने, जबकि किरण राज ने इस मूवी में लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं। ये मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी होने वाली है। इसके अलावा ये एक फैमिली फ्रेंडली फिल्म है। इस मूवी का टोटल बजट 100 करोड़ रुपए है। कनाडा इंडस्ट्री की तरफ से नई आने वाली फिल्म रॉनी द रूलर 23 दिसंबर 2023 को रिलीज की जाएगी। फिल्म की बाकी स्टोरी हमें मूवी आने के बाद या ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल इस मूवी का सिर्फ टीजर रिलीज किया गया है। आप सब लोगों को इस मूवी का टीजर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।